ऐसे बल्लेबाज अगर आप इंडिया खेल रहे हो और स्टार बल्लेबाज हो तो फिर देन किसी चीज की कोई कमी नहीं, नाम शोहरत दौलत सब कुछ आपके पीछे भागती है। पैसे बहुत होते हैं, जैसे शोएब अख्तर कहते हैं ना, पैसे बहुत होते हैं यार, बहुत पैसे, बहुत बहुत पैसे कमा लिए हैं, मैं बहुत पैसे कमा लिए यार। वेलकम टू अ फन सेगमेंट व्हाट इफ, अगर ऐसा होता तो क्या होता, और मेरे साथ है भज्जूपा। भज्जूपा गुड मॉर्निंग। भज्जूपा आज मैं आपसे सवाल नहीं पूछूंगी बल्कि स्पोर्ट्स क्रीड़ा की जो पूरी टीम है, जो हमारे सारे प्रोड्यूसर्स हैं, वो आपके लिए सवाल लेकर आए हैं। बहुत सारे सवाल हैं, तो क्या आप तैयार हैं इन सवालों के लिए? पाजी मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आप एक बल्लेबाज होते तो क्या होता? I wish I was a batsman. I would have got lot more sponsors to start with. और दूसरा ये कि यहाँ पे 50 रन बनाओ तो मैन ऑफ द मैच बहुत मिल जाते हैं, 3 विकेट लो तो मैन ऑफ द मैच मिलता नहीं है। तो मुझे लगता है कि बैट्समैन होता तो कितना मजा होता ना। कल ही एक्चुअली मैं बात कर रहा था इरफान के साथ भी कि यार बैट्समैन बनना चाहिए था, पर एनीवेज ठीक है, जो भगवान ने दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज क्रिकेट खेले थे तभी इस लायक बने कि लोग पूछते हैं, बात करते हैं। अगर इमेजिन क्रिकेट ही ना खेलते, बॉलर बैट्समैन जोड़िए, तो क्या होता। बट हाँ, बैट्समैन होता तो फिर नोट बहुत होते। और कहीं ना कहीं ये बात सच भी है कि जब आपने क्रिकेट की प्रैक्टिस शुरू की थी, यू स्टार्टेड ऑफ एज अ बैट्समैन, और आपके कोच ने भी आपसे बैटिंग की प्रैक्टिस करवाई थी पहले। देखिए बैट्समैन गली मोहल्ले में तो मैं बैट्समैन ही था, बट साथ में मैं फास्ट बॉलर था, और फास्ट बॉलर से स्पिनर कब बन गया वो जब मैं ग्राउंड खेलने गया तब उन्होंने जब पूछा क्या करते हो तो मैंने बोला स्पिन करता हूँ, तो स्पिन के चलते हुए बस वो स्पिनर बन गया। समझ नहीं आया, उस दिन मुझे बोलना चाहिए था शायद कि मैं बैटिंग करता हूँ, और बैटिंग करता हुआ बोलता तो शायद ऐसे बल्लेबाज अगर आप इंडिया खेल रहे हो और स्टार बल्लेबाज हो तो फिर देन किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, नाम शोहरत दौलत सब कुछ आपके पीछे भागती है। पैसे बहुत होते हैं, जैसे शोएब अख्तर कहते हैं ना, पैसे बहुत होते हैं यार, बहुत पैसे, बहुत बहुत पैसे कमा लिए हैं, मैं बहुत पैसे कमा लिए यार। तो वो शोएब अख्तर की जुबान से ऐसे ही नहीं होती बातें। बट ये देखे ना, बैट्समैन में सुपरस्टार्स बनते हैं, बॉलर में आप बहुत कम, कोई रेयर देखोगे कि सुपरस्टार का तवज्जो जिसको मिलता है। तो क्योंकि ये गेम बैट्समैन की है, इसलिए बैट्समैन को ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। चौके छक्के किसी को खाते हुए तो देखना नहीं चाहते हैं, लगाते हुए सबको देखना चाहते हैं, तो इसलिए बल्लेबाज की तरह ज़्यादा तवज्जो है, और पैसे भी वही बनाते हैं। Majuba, I want to know from you, what would have happened had Yuvraj Singh, your very dear friend Yuvraj Singh, been the captain of the Indian side? Yuvraj Singh, agar kaptan hote, to phir unko bahut jaldi sona padta, hai na? Aur bahut jaldi uthna padta, aur itni mehnat karni padti, ye sab kaamon ki. But I think captain hote to achha karte, agar kyunki UV ki jo achievements hain, I think बहुत बड़ी अचीवमेंट्स है। अगर देखा जाए 2 वर्ल्ड कप जिताए हैं जिसमें मैन ऑफ द सीरीज लाए हैं, बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है 2 वर्ल्ड कप, जो जिसके कारण हम सबको सम्मान मिलता है। मेन आदमी वो है जिसने वो मैन ऑफ द सीरीज जीती है, तो कप्तान होते तो मुझे लगता अच्छा करते। बट हाँ, थोड़ा सा जल्दी सोना पड़ता यूवी को, जो कि हम लोग सोने नहीं देते उसको। And also, you know, just to take that forward, I also want to know from you could the careers of a few players have been prolonged had Yuvraj Singh been there as the captain? नहीं, I don't think. मुझे नहीं लगता कि ऐसा होता कि हमारे careers लंबे हो जाते, क्योंकि जो हम क्रिकेट खेले अपने दम पे खेले और किसी कप्तान का उसमें ये नहीं हाथ था कि कप्तान ने हमें सिलेक्ट करवाया या फिर बचाते चला गया जल गया और फिर हम यारी दोस्ती एक तरफ, बट जब आप कप्तान हो तो आपको देश के पहले सोचना है, तो आई एम श्योर यू भी वैसा ही सोचता, और हम उस चीज़ को एक्सेप्ट भी करते, क्योंकि ये ज़रूरी है कि अगर आप इंडियन टीम में हो परफॉर्म करो, देश के लिए परफॉर्म करना ज़रूरी है। यारी दोस्ती से फिर टीमें चलती, तो फिर ऐसा होता कि सारा चंडीगढ़ या फिर जहाँ जहाँ वो रहे हैं और वो सारा मोहल्ला खेल जाता। हेलो भज्जी, I want to ask, what if Sourav Ganguly would not had bagged you? तो वो कप्तानी से हट जाते, मुझे लगता है फिर वो सीरीज नहीं जीत पाते, वो ऑस्ट्रेलिया के सामने जो वो सीरीज थी, तो
तो अगर वो सीरीज नहीं जीतते तो फिर दादा नहीं रहते। तो ये तो वो है कि आप मुझे हाथ पकड़ाया आपने, भगवान ने मेरे लिए सौरव गांगुली को भेजा कि हाँ भी इस बच्चे का हाथ पकड़, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मैंने भगवान का हाथ पकड़ा हुआ है और बस मैं काम करते चला गया, जिसके कारण मेरा भी नाम बना और सौरव गांगुली इतनी बड़ी सीरीज जीत गई जिसके कारण उनको वो कप्तानी की एक्सटेंशन भी मिली। तो यस ही सपोर्टेड मी, सही बात है, उसमें कोई दो राय नहीं है, जिसका मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। पर साथ ही साथ आपकी परफॉर्मेंस जो है वो आपको क्रिकेट खिलाती है, कप्तान सिर्फ आपको एक मौका दिलवा सकता है जो वो उन्होंने दिलवाया था सही टाइम पे, मुश्किल दौर था मेरे लिए, पर या उसके बाद बंदे के ऊपर होता है कि वो कैसे परफॉर्म करता है और उन्होंने मेरी मदद की, भगवान ने उसी तरीके से उसी डेढ़ दो महीने में ही वो जो फेवर उन्होंने की थी उससे बढ़ चढ़ के फेवर जो है वो वापस मोड़ दी, उनको एक्सटेंशन मिल गया कप्तानी में। Hi Bhajappa, hope you're doing well. I had a question for you. What if Greg Chappell wasn't the Indian team coach? Wow, कितना अच्छा होता। तो 2007 का वर्ल्ड कप जो हम हमारी दुर्दशा हुई थी, जो वेस्ट इंडीज में गए थे, वो ना होती। क्योंकि अगर सबसे बड़ा प्रमुख कारण अगर ढूंढना हो कि क्यों वहां पे दुर्दशा हुई, क्योंकि वो टीम जो थी वो हैप्पी टीम नहीं थी। तो अगर Greg Chappell वहां पे नहीं होते तो फिर ये टीम आगे जाती, पक्की बात है। ओके, तो सारे सवाल पूरे हो गए स्पोर्ट्स कीड़ा के प्रोड्यूसर्स ने जो सवाल आपसे दागे थे भज्जूपा। भज्जूपा, Greg Chappell कोच अगर नहीं होते शायद ये इंडियन टीम के लिए बहुत अच्छा होता, लेकिन कोई बात नहीं, अभी आगे T20 वर्ल्ड कप भी आने वाला है, बहुत सारे मौके होंगे टीम इंडिया के पास वर्ल्ड कप जीतने के। थैंक यू सो मच भज्जूपा हमारे साथ इस सेगमेंट में जुड़ने के लिए।